हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एंड नॉलेज उर्दू हिंदी। मैं हूं मोहम्मद शहबाज। दोस्तों, गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 सीरीज का इनिशियल प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना होगा, एक लीकर ने पब्लिश कर दिया है। एक लीकर जिसका नाम एंथनी है, जिसका यूजर नेम ट्विटर पर द गैलॉक्स है। द गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 लाइन का इनिशियल प्रोडक्शन वॉल्यूम बताया है, जिसके मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 अल्ट्रा सबसे ज्यादा तैयार किया जाने वाला मॉडल होगा। लेकर एंथनी के मुताबिक गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 लाइन में गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 अल्ट्रा के 13 मिलियन यूनिट्स तैयार किए जाएंगे, गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 प्लस के 6.5 मिलियन यूनिट्स तैयार किए जाएंगे, गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 बेसिक मॉडल के 8.5 मिलियन यूनिट्स तैयार किए जाएंगे और न्यू मॉडल गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 फैन एडिशन के 3 मिलियन यूनिट्स तैयार किए जाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 FE जल्द आने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है के 4 मॉडल्स के 31 मिलियन यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। साउथ कोरियन से बाहर एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 FE मॉडल गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 लाइन के बाकी 3 मॉडल्स में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी सीरीज के लिए 31 मिलियन यूनिट्स का एक बड़ा हदफ रखा गया है, जिसमें गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 अल्ट्रा मॉडल गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 2 अल्ट्रा की तरह कामयाब मॉडल होने का इशारा दिया गया है। अगर ऐसा है तो गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 अल्ट्रा, जिसके प्राइसेस सीरीज में सबसे ज्यादा हैं, इस मॉडल की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की जाएगी, जिससे सैमसंग को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। सैमसंग गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 अल्ट्रा में लाजमी तौर पर 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर यूज किया जाएगा। सैमसंग का मॉडल गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 2 अल्ट्रा, जिसने पिछले तमाम सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे ज्यादा सेल होने वाला सैमसंग मॉडल बन गया। इसी तरह सैमसंग ने गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 अल्ट्रा के न्यू कैमरा सेटअप के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। हाई कंपटीशन के लिहाज से मोटोरोला फ्रंटियर मॉडल में 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर शामिल है। सोर्सेज के मुताबिक ये स्मार्टफोन बनाने वाली पहली कंपनी हो सकती है जिसने अपने स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर यूज किया हो, लेकिन साउथ कोरियन टेक जॉइंट इसके मुकाबले में पीछे नहीं रहेंगे। लीकर के मुताबिक सैमसंग ने अभी तक 200 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर की अनाउंसमेंट नहीं की, जो कि गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोटोरोला फ्रंटियर मॉडल और गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में कैमरा रेजोल्यूशन एक जैसी होंगी, लेकिन इनमें मुख्तलिफ सेंसर होने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी एक जैसी नहीं होगी। इसके साथ साथ मोटोरोला फ्रंटियर के अलावा Xiaomi 12T Pro में भी 200 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर होने का इम्कान है। लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 CPU, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नवंबर में की जाएगी, सैमसंग गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 लाइन को मजीद ताकत देगा। और इसके अलावा गैलेक्सी एस्ट्रोनॉट 3 लाइन में 40 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरास इस्तेमाल हो सकते हैं। दोस्तों, ये सब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि फ्यूचर में 200 मेगापिक्सल कैमरा वाले स्मार्टफोन्स, जिसमें Xiaomi 12T Pro, Motorola Frontier और Samsung Galaxy S23 Ultra मॉडल्स एक दूसरे का मुकाबला कैसे करेंगे। इस साल न्यूएस्ट वेरिएंट Samsung Galaxy S22 Ultra ने फोटोग्राफी में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, इन तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल साइंस एंड नॉलेज उर्दू हिंदी अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। रखें अपना बहुत बहुत ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।